कलारम के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में दोबारा से सक्सेसफुल रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के बाद कलारम कंडक्ट कर रहा है बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप जगन्नाथपुरी और कोणार्क उड़ीसा में। सबसे पहले आपको इसकी डेट्स बता देता हूँ। ये वर्कशॉप 24 नवंबर से 27 नवंबर तक रहेगी। 24 नवंबर को चेक इन होगा होटल में और 28 नवंबर को होगा चेकआउट। सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या होती है रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप, क्या क्या आपको इसमें मिलेगा और किस किस को ये ज्वाइन करनी चाहिए, कौन है हमारे मास्टर आर्टिस्ट और क्या फायदा रहेगा, आपको क्या सब्जेक्ट सीखने को मिलेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप होती क्या है, जब एक जगह पर रहकर सभी आर्टिस्ट आर्ट करते हैं, आर्ट सीखते हैं, उसे कहते हैं रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप। सभी जो कलाकार होते हैं, चाहे बिगिनर हो चाहे मास्टर आर्टिस्ट हो, एक जगह रहते हैं, एक साथ पेंटिंग करते हैं, एक साथ खाते हैं और आर्ट डिस्कशन होती है, आर्ट इवेंट्स होते हैं अलग अलग, तो बहुत ही अमेजिंग ये सेशन रहते हैं रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप के। इसी तरह जो कलारम की रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप होती है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। उसमें एकोमोडेशन इंक्लूड रहेगा, आपके रहने की व्यवस्था होगी, साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर की व्यवस्था होगी, साथ में आर्ट गाइडेंस मिलेगी, आर्ट ट्यूशन मिलेगी अलग अलग मीडियम में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। इससे पहले कलारम कश्मीर में, बूंदी में, कोलकाता में, खजुराहो में, वाराणसी में, पुणे में और भी देश के अलग अलग हिस्सों में रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप कर चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कलारम की रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप में क्या क्या होता है तो उसके जो ब्लॉग है वो कलारम के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। यकीनन आप उन्हें देखकर इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कलारम की रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप पर आना चाहिए या फिर नहीं। ये था सभी लोगों को कि कौन कौन इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है, जो जिसने अभी शुरुआत भी नहीं की, शुरुआत करना चाहता है, वो भी इस आर्ट वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एक विजन मिले, आपको एक रास्ता मिले कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर आपको बिगिनिंग में ही ऐसी गाइडेंस मिल जाती है इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट की तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जो इंटरमीडिएट लेवल पर है उनके लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप रहने वाली है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग मास्टर्स हैं, अलग अलग मीडियम हैं, आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में फिर जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप के साथ काम करने की एनर्जी एक अलग ही होती है, साथ में एक दूसरे से जो सीखना और सिखाना वो में हमेशा के लिए रहता ही है। इसके बाद बात करते हैं हमारे मास्टर्स की, जो गेस्ट आर्टिस्ट जिनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो कलारम के फाउंडर महाराष्ट्र से निशिकांत पालांडे जी और कोलकाता से अचिंत्य हाजरा जी अवेलेबल रहेंगे एज अ मेंटोर सिखाने के लिए। साथ में जो हमारे गेस्ट आर्टिस्ट हैं, ग्रैंड मास्टर विजय बिस्वाल सर, विक्रांत सिटोले सर, सिकंदर सिंह सर, साथ में रघुनाथ साहू सर, अमोल पवार सर और अमित कुमार दे सर, तो 8 ऐसे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट रहेंगे, ऐसे मास्टर्स रहेंगे जिनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो यकीनन हमें दिन कम पड़ने वाले हैं, लेकिन हमें जो सीखने के लिए और सिखाने के लिए रहेगा वो भरपूर रहेगा। ठीक है, साथ बात करते हैं कि हम किस किस मीडियम में काम कर सकते हैं, किस किस मीडियम में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो वाटर कलर है, जब आउटडोर में जाते हैं तो उसे कैरी करना बहुत आसान रहता है, इसीलिए वाटर कलर हमेशा के लिए प्रायोरिटी में रहता है। वाटर कलर के साथ साथ आपको गोश में भी डेमो देखने को मिलेंगे, आपको सीखने को मिलेगा, साथ में आपको एक्रेलिक में भी सीखने को मिलेगा। तो ये कुछ मीडियम रहेंगे, वाटर कलर, गोश और एक्रेलिक, जिनमें आपको ये इस वर्कशॉप पर सीखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हमें वहाँ पर
सीखने को मिलेंगे। तो जो जगन्नाथपुरी और कोणार्क है, आपको पता है जो आर्किटेक्चर वहाँ का है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो आर्किटेक्चरल स्टडी वहाँ पर होगी, साथ में जो टेंपल्स हैं उनकी स्टडी वहाँ पर होगी, साथ में सीस के वहाँ पर सीखने को मिलेगा, स्कल्पचर सीखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शंस, बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। कोशिश कला रंग की ये भी रहेगी कि किसी ना किसी विलेज में जाकर पेंटिंग कर सके। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम है और क्या क्या उसमें मैनेज कर सकता है। ऑन द स्पॉट जो भी बेस्ट रहेगा कला रंग वो डिसीजन लेगा। डाउट रहता है कि क्या हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर आ सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो फैमिली के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो हमारा कोई फैमिली मेम्बर भी साथ में से एक्सप्लोर करे। तो बिल्कुल आप फैमिली मेम्बर के साथ भी इस आर्ट वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हम जितने दिन की वर्कशॉप है उससे कुछ एक्स्ट्रा आ सकते हैं, कितने बजे आ सकते हैं, कितने बजे जाना है। तो आपको बता दूं जो चेक इन रहेगा वो 11 AM पर रहेगा 24 नवंबर को। तो आप उससे पहले भी आ सकते हैं, आप उससे बाद भी आ सकते हैं, लेकिन जितना पहले आएंगे उतना बेस्ट रहेगा। और जो चेकआउट है वो है 10 AM 28 नवंबर को। तो आपको उससे पहले चेकआउट करना है, लेकिन अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक दिन पहले आना चाहते हैं, जैसे कि कलारम की टीम हमेशा एक दिन पहले पहुंच जाती है वर्कशॉप के लिए, आप भी एक दिन पहले आना चाहते हैं नोटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि पहले से ही बुकिंग एक्सटेंड की जा सके। तो उसके लिए 2000 पर डे के चार्जेस रहेंगे, जिसमें कि ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा। पूरे दिन काम करने के बाद, आउटडोर पेंटिंग करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद शाम को रहते हैं फीडबैक और डिस्कशन सेशन। जी हाँ, जितनी भी दिन में पेंटिंग करेंगे उन सभी का डिस्प्ले रात को होगा और उसके ऊपर मास्टर्स अपने फीडबैक देंगे आपको, ताकि हमारे काम में और इम्प्रूवमेंट हो सके। साथ में आर्ट के ऊपर डिस्कशन होती है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जो कि हमें एक आर्टिस्ट के रूप में उभारता है। और साथ में कैजुअल पोर्ट्रेट स्केचिंग के सेशन भी रहते हैं, क्योंकि जो शाम का वक्त होता है वो भी बहुत सारे आर्टिस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। अक्सर शाम के टाइम आर्टिस्ट खुद से मॉडल चूज करके स्केचिंग सेशन भी करते हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। करीब 4 से 5 दिन का वक्त रहता है, इसे जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सके आर्टिस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं। आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत जल्दी से सीटें फुल हो रही हैं। तो लिमिटेड सीट्स इसमें रहेंगी, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर सामने दी गई हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जल्दी से इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जल्दी इस वर्कशॉप को अनाउंस करने का मकसद यही है कि आपको फ्लाइट्स टिकट, ट्रेन टिकट्स टाइम से बुक हो जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमेशा से सभी आर्टिस्ट की डिमांड रहती है कि थोड़ा पहले हमें पता लगेगा तो हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र कलारम ने पहले ही ये वर्कशॉप अनाउंस कर दी है, और जिसके कि जो मैनेजमेंट है वो भी फिर सभी एडवांस में रहता है। तो आपको डिसीजन लेना है, कलारम के यूट्यूब चैनल पर जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप हो चुकी है ऑलरेडी, उनके वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर चेक कीजिए, डिसीजन लीजिए और रजिस्टर कीजिए। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा साथ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपके क्वेश्चन का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, या फिर कलारम के इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपकी हर क्वेरी का आंसर देने के लिए। तब तक के लिए आर्ट करते रहिए, खुश रहिए।